मालती मुझे छोड़ कैसे नहीं जा सकती है। मालती मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। मालती मैं तो वही करता था जो तू कहती थी। उठ जाओ मालती, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा मालती। तेरे बिना मेरे जिंदगी का कोई वजूद नहीं है मालती। तू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती है। अरे साला रोने की नौटंकी बंद कर। साहब मेरी बीवी रात में ही फांसी लगा के मर गई। मैं घर आया तो इसकी लाश पंखे से लटक रही थी। साहब मेरी बीवी को वापस ला दो। साहब मैं इसके बिना जिंदा रहना नहीं चाहता हूँ। पता नहीं इसके मन में क्या आया जो इसने फांसी लगा ली। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब जब सो आया तो ये फांसी लटक के मर चुकी थी। मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर बोला मर चुकी है, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे साला रोना बंद कर। बीवी फांसी लगा के मरी है या तू मार दिया है। गौलम ने बीवी को मार दिया। साहब अब क्या बोले। सच सच बताओ ये कैसे क्या हुआ है। अबे साले जल्दी बताएगा। बताता हूँ साहब, बताता हूँ, बताता हूँ। बता। क्या कर रही हो मालती। बस अभी सब्जी काट रहे हैं। अभी तक खाना नहीं बना बस है। बन जाएगा आधा घंटा। नहीं, ये कोरोना और लॉकडाउन से हम लोग को कब तक राहत मिलेगा। अगर ऐसा ही रहा ना तो एक दिन हम लोग भूखे मर जाएं। सबके सब काम धंधा एकदम ठप पड़ गया। जानती हो मालती, हम लोग एक एक दाना के लिए तरस जाएंगे। सरकार लॉकडाउन लगा कर हम लोग को घर में बैठा दिया। आप थोड़ा सा मुँह कान धोइए ना, हम बना देते हैं। पता नहीं ये कोरोना कब खत्म होगा। बस बन जाएगा, आप मुंह कान धो लीजिए ना। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी खाना बनाओ। जानते हैं हमको एक बात पता चला है, अगर वो सच रहा ना तो हम लोग घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। ये क्या बात बोल रही हो मालती। जब तक फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे तब तक घर बैठे पैसा कैसे कमा सकते हैं। तुमको कोई बुद्धू बनाया है मालती, ऐसा नहीं होता है। तुम पागल हो क्या। ए जी पहले सुनिए तो सही। अच्छा बोलो मालती, तुम क्या बोलना चाहती हो। जानते हैं मौला, हम वीडियो बना के और यूट्यूब पे डालने से पैसा आता है। तुम सच बोल रहे हो मालती। हाँ जी सच्चे बोल रहे हैं। क्या तुम सच्चे बोल रहे हो। अगर ऐसा है ना मालती तो हम कल से ही डांस का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालते हैं। तुम डांस करना, हम मोबाइल से वीडियो बना लेंगे। ठीक है विष्णु जी, हम कल से ही अपने काम का श्री गणेश करते हैं। जाइए आप गोइठवा लेके आइए, तब हम खाना बना लेते। ठीक है हम जाते हैं। हे मोबाइल देवता, जल्दी से जल्दी हमर वीडियोवा को ऊपर चढ़ा दीजिए, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी पैसा कमाने लगे। हम लोग बहुत गरीब हैं मोबाइल देवता, हम लोग वीडियो बनाकर पैसा नहीं कमा पाए तो हम लोगों को कोरोना नहीं भी होगा ना मोबाइल देवता, तो भी हम लोग मर। सही कह रहे हैं मोबाइल देवता, लॉकडाउन में सारा काम बंद है। सुबह में खाते हैं तो शाम के लिए सोचना पड़ता है और शाम में खाते हैं तो सुबह के लिए सोचना पड़ता है। मोबाइल देवता आप कुछ प्रसादी लाए हैं जी। लॉकडाउन में पैसा कहाँ से आया, थोड़ा सा चीनी लाए हैं, उसी से मुंह मीठा कर लो। कौन से गाने पे डांस करोगी। आज पहला वीडियो है इसलिए भक्ति सॉन्ग पे डांस करेंगे। वो खेसारी लाल का है ना, चुनरिया ले लाई है, वो लगाइए। रेडी हो मालती। जी रेडी है। 1 2 3 चुनरिया ले ले आई।
जी। अभी नहीं डलाया, नेटवा बहुत धीरे धीरे चल रहा। देखिए ना थोड़ा अच्छा से। डला गया। डल गया। डल गया मालती। ये जी मोबाइल देख के बताइए ना वीडियो कितना बार चला है। अभी 100 बार चल गया है। बाप रे 100 आदमी देख लिया। हाँ जी, अब और अच्छे से मेहनत करो मालती। मालती जल्दी आओ ना। मालती ए मालती जल्दी आओ ना मालती जल्दी आओ ना। मालती क्या हुआ जी, कोई बात है क्या? देखो ना अपना वीडियो बार 2000 बार चल गया। अरे 2000 बार चल गया? हाँ देखो ना 2000 बार चल गया। वो यूट्यूब का पहला पेमेंट बैंक से निकालने गए हैं। 4 घंटा हो गया है अभी तक वापस नहीं आया है। हमको चिंता हो रही है, पता नहीं पैसा निकला है कि नहीं निकला। कहीं वो पैसा लेकर आ रहे थे, कहीं उनसे कोई चोर छीन तो नहीं लिया। हे भगवान, मेहनत की कमाई है, बचा लेना। इतनी देर से आप क्या कर रहे थे? मेरे मन में बहुत बुरा बुरा ख्याल आ रहा था। बैंक से पैसा निकालने के बाद मार्केट चला गया था, वहीं से आने में देर हो गई। ये मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाए हैं। मेरे लिए कपड़ा लाया है? हाँ तुम्हारे लिए लाया हूँ। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। देखो ना मालती अपना वीडियो 5000 बार चल गया। अरे वाह। देखो ना मालती धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब वीडियो को मिलियन में पहुँचाना है मालती, इसलिए मेहनत करो। देखो ना मालती 50000 बार चल गया।
देखो मालती लाख बार चल गया। बाप रे लाख बार चल गया। देखो ना एक लाख बार चल गया और बहते जा रहा है। बाप रे बाप लाख बार चल गया ना। हाँ वीडियो आगे जाने लगा है, इस बार और अच्छा से डांस करना। जानी हम पर दिल में कमाए सुनाए प्यारिया हो, जाए के न पारे बाजार से लिया बे तर तर करिया हो। बोला काका हम कह दिए रोपनिया ले जान। नमस्कार, मैं डेली न्यूज इंडिया रिपोर्टिंग से शिवशंकर कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आचरण वंदन करता हूँ। मैं दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज हम एक ऐसे सोशल मीडिया सेंसेशन के बारे में आपको बताएंगे और उनसे मिलवाएंगे जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आ रहा है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। एक और लाइन याद आ गया कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत लोगों को भगवान से शिकायत रहता है कि भगवान ने हमें गरीब बना दिया, हमें कुछ दिया नहीं, जबकि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, करते नहीं हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी में जन्म लेकर आसमान की बुलंदियों तक अपना परचम फहरा देते हैं। और उन्हीं में से एक आज के जो मेहमान हमारे हैं वो ऐसा ही कुछ किए हैं कि गरीबी में जन्म तो लिए लेकिन अपने कर्म और मेहनत के बल से वो लॉकडाउन जैसे समय में वो एक इतिहास बना दिए। और महिलाओं के लिए, खासकर उन महिलाओं के लिए जो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे माँ बाप पढ़ाए लिखाए नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए वो एक उदाहरण स्वरूप बन के आए हैं। तो चलिए दर्शकों, आपको ज्यादा इंतजार न करवाते हुए हम आपको उस शख्स से मिलवाते हैं जो अनपढ़ गरीब होकर भी कामयाबी की ऐसी झंडा गाड़ दी है जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए उनसे हम आपका परिचय करवाते हैं, जिनका नाम है मालती चौहान। नमस्कार आप दोनों को। नमस्कार आपको और आपके डेली न्यूज इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों को भी। तो चलिए दर्शकों, अब हम इनसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। कैसा लग रहा है मालती, आपको इतने दर्शकों का प्यार मिल रहा है? सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सर जब हम शुरुआत किए थे तो हमको इतनी सफलता की उम्मीद नहीं थी। हम आज तक समझ नहीं पाए कि ये सब हुआ कैसे। दर्शकों इनके कहने का मतलब है कि शुरुआती में इनको इतनी सफलता की उम्मीद नहीं थी। मेरा अगला सवाल विष्णु जी से है कि आपको कैसा लग रहा है YouTube पर अपना वीडियो बनाकर? जी हमको YouTube के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि YouTube पर वीडियो डाल के पैसा भी कमाया जा सकता है। ये बात हमको मालती ने बताई थी। आपका आगे का क्या प्लान है मालती जी? अभी तो हम ज्यादा आगे का कुछ नहीं सोचे हैं, बस इतना ही सोचे हैं कि डेली वीडियो बना के YouTube पर डालना है। दर्शकों मालती जी के कहने का मतलब ये है कि अभी बस ये यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करने पर फोकस कर रही है, अभी ये भविष्य की कोई भी योजना पर काम नहीं कर रही। तो चलिए दर्शकों मिलते हैं हम अगले ताजा तरीन बेहतर से बेहतरीन खबरों के साथ। अगर आपको हमारा इंटरव्यू पसंद आया हो तो इन दोनों के लिए एक प्यारा सा कमेंट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार। Mm.
मेरा गाड़ी बिगड़ गया है, देख लीजिए तो। अच्छा आप विष्णु राज है ना? देखिए मेरा नाम अर्जुन वर्मा है, मैं आपका वीडियो रोज देखता हूँ। देखिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, थोड़ा सा गाड़ी देख लीजिए ना। चलिए हम आपका गाड़ी बना देते हैं। लीजिए आपका गाड़ी बन गया। बन गया? पैसा कितना हुआ? हम आपसे पैसा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप मेहनत करते हैं, पैसा तो आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आपसे पैसा नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे लगता है आपको YouTube पर काम करना चाहिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा हम इसके बारे में सोचेंगे, आप लोग सपोर्ट करिएगा तब ना। ठीक है हम चलते हैं। आज से हम दोनों दोस्त हैं, आगे मिलते रहेंगे। ठीक है मिलते हैं, एक दिन हम आपको अपने घर लेकर चलेंगे। आइए अंदर आइए ना, और आगे चलिए ना, जूता मत खोलिए पहने हुए, आगे चलिए ना, टेंशन कहाँ ले रहे हैं, इधर चलिए। आप यहीं पर रुकिए, हम आते हैं कुर्सी लेके। इस पर बैठिए, हम मालती को बुलाते हैं। मालती कहाँ हो तुम, देखो ना कौन आया है। बोलो ना मालती कहाँ हो तुम, आओ ना इधर आओ ना। क्या हुआ जी? तुम इधर आओ ना, तुम उधर से ही बोल रही हो, इधर आओगी तब तो पता चलेगा। क्या हुआ जी बोलिए ना। देखो कौन आए हैं, मैं उस दिन बताया था ना कि मेरा बाइक बिगड़ गया था, यहीं बनाए थे, ये हमारे फैन हैं। आप कैसे हैं अर्जुन जी? आपको कैसे पता हुआ कि मेरा नाम अर्जुन वर्मा है? ये दिन रात आपके बारे में तारीफ करते रहते हैं ना, इसीलिए। बैठिए ना मैं चाय बना के लाती हूँ। नाना आप काहे कष्ट कर रहे हैं, हम आपका वीडियो रोज देखते हैं, बस आपसे मिलने की तमन्ना थी और मिल ली, इससे बड़ा खुशी हमें क्या होगी। गैरेज भी बंद करके आए हैं, उसे भी सुनना है। ठीक है चलते हैं। अर्जुन जी कम से कम चाय तो पी लीजिए। ठीक है अगले बार आएंगे तो पी लेंगे। हेलो राधा, तुम कैसी हो, और सब ठीक है ना? मालती मायके चली गई है, तुमको बहुत मिस कर रहे हैं राधा, जब तक ये प्यार चल रहा है ना ऐसे ही चलने दो, उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत जल्द ही एक हो जाएंगे। हेलो राधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधा, जानती हो अब मैं मालती के साथ एक पल भी रहना नहीं चाहता हूँ, मैं ये जिंदगी घूंट घूंट कर जी रहा हूँ, अब जल्द ही मुझे मालती के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। शादी के बाद हम दोनों का ऐस ही ऐस होगा राधा, चैनल भी तो मेरे ही नाम से है ना, सब पैसा मुझे ही आएगा। तुम अपने ऊपर धैर्य और मेरे ऊपर विश्वास बना के रख, हमारी आने वाली जिंदगी बहुत शानदार होगी राधा, मैं तुम्हारे जिंदगी में खुशियाँ से भर दूंगा, मैं तुमको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता हूँ। तुम कब आई मालती? जब आप बात कर रहे थे। तुम मेरी बात सुन गई थी? हाँ, पर आप घबरा क्यों रहे हैं? आपके और अर्जुन वर्मा के बीच में होने वाली बात को मैं सुन नहीं सकती हूँ क्या? हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे बचा लिया। मुझे तो ये लग रहा था कि मेरी और राधा के बीच होने वाली सारी बात को मालती सुन चुकी है, ऊपर वाले का शुक्र है कि कम से कम उसने मुझे बचा लिया, वरना न जाने आज क्या हो जाता, जो हम सोचे थे वो कभी पूरा ही नहीं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ भगवान, आपकी वजह से आज मैं बच गया, वरना मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं बस ऐसे ही।
क्या बात है अर्जुन, बहुत खुश नजर आ रहे हो। अचानक याद आया कि आज रक्षाबंधन है, तो हमने सोचा कि चलते हैं राखी बंधवा लेते हैं। ये क्या मजाक है अर्जुन, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमको राखी बांधूंगी? क्या मालती, तुम भी ना, वो बड़ी उम्मीद से राखी लेकर आया है, बांध दो। देखो मालती, हम तुमको बहन मानते हैं, ये लो राखी, मेरी कलाई पर बांध दो। क्योंकि गैरेज भी बंद करके आए हैं, उसे भी खोलना पड़ेगा, जाना भी जरूरी है। बांध दो ना मालती, क्या तुम भी भाव खा रही हो? ठीक है विष्णु जी, चलते हैं। चलो, मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। तुम अपने आप को समझते क्या हो अर्जुन? मैं बार बार कॉल लगा रही हूँ, तुम बार बार कॉल नहीं उठा रहे हो। मैं अपने आप को बहुत कुछ समझता हूँ, तुम बोलो क्या बोलना चाहती हो? तुम मेरे घर राखी लेकर क्यों आए थे? तुम मुझसे राखी बंधवा के क्या साबित करना चाहते हो? यही ना कि हम दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता है? क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ? प्यार करने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम इस रिश्ता को अंजाम तक पहुँचाना चाहती हो तो तुम अपने पति से बात करो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखो अर्जुन, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, इसीलिए तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं शादी के लिए विष्णु से बात करती हूँ। अब जो भी करना है जल्द करो, क्योंकि अब हमें तुमसे चोरी छिपे मिलना ठीक नहीं लगता है। राधा, आज बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मालती अर्जुन से प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती, इसके लिए वो जल्द ही मुझसे बात करेगी। क्योंकि मुझसे बात करने के लिए अर्जुन मालती पर दबाव बना रहा है। ठीक है, अब फोन रखते हैं राधा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम और अर्जुन मिलकर मुझे धोखा दे रही थी। तुम दोनों को मिलाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। खैर छोड़, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम अगर अर्जुन वर्मा से शादी करना चाहती हो ना, तो हम अपने दिल पर पत्थर रखकर तुमको भुलाने के लिए तैयार हूँ। हेलो हेलो अर्जुन वर्मा, तुम अभी मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारा सपना पूरा कर देता हूँ। जल्दी आओ। विष्णु, तुम इतना जल्दी फोन करके क्यों बुला लिया हमें? तुम और मालती जो चाहते थे ना, वो अभी पूरा होने वाला है। आज से मालती तुम्हारी ही अर्जुन, तुम उसे मंदिर में ले जाकर शादी कर लो और तुम मालती को अपने घर लेकर चले जाओ। मैं मालती से तो शादी कर लेता हूँ, पर मैं अपने घर अभी लेकर नहीं जाऊंगा। मुझे 10 दिन का समय चाहिए, क्योंकि मेरी पहली बीवी है, उसका कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, हम अब चलते हैं। मुझे तुमसे शादी किए हुए 2 महीने हो गए, अभी तक तुम मुझे अपने घर लेकर नहीं गए हो, रोज रात को यहाँ आ जाते हो, कब तक ऐसा चलता रहेगा? देखो मालती, तुम मेरी मजबूरी को समझो, उस घर में मेरी पहली बीवी रहती है, मुझे अपनी पहली बीवी के साथ रहना है। देखो मालती, आज से मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ, आज के बाद कॉल या मैसेज मत करना। ठीक है, अब हम चलते हैं। क्या हुआ मालती, क्यों रो रही हो? बोलो ना, तुम क्यों रो रही हो?
बताओ ना क्यों रो रही हो? अर्जुन ने मुझसे शादी तोड़ दिया, अब वो मुझे अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं देगा। अब मैं मायके जा रही हूँ। हेलो राधा, बहुत बुरी खबर है। अर्जुन मालती को अपने घर ले जाने से मना कर दिया। मालती जब तक जिंदा रहेगी तब तक हम दोनों शादी नहीं कर पाएंगे राधा। मेरी बेटी को खिलौना समझ लिया है दामाद जी? आप क्या समझ कर अर्जुन वर्मा से शादी करा दिए थे? अब किन्हे में शादी गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन वर्मा से शादी कराने? मालती अर्जुन वर्मा से प्यार करती थी बाबूजी। ये सब बकवास बंद कीजिए दामाद जी, वरना मैं भूल जाऊँ की आप हमारे दामाद है। आपको ये सब बोलने में तनिक भी शर्म नहीं लगता है? मालती जिद कर रही थी अर्जुन वर्मा से शादी करने की, इसीलिए मैंने करवा दिया। वो जीत करके कुछ भी कहेगी तो आप मान लीजिएगा। अरे सब कीजिए अपने आप पर, आपके अंदर मर्दानगी खत्म हो गई है क्या जो आपकी बीवी आपसे दूर भाग रही है? आज के जमाने में बीवी के भागने की वजह मर्दानगी नहीं रही बाबूजी। भौतिकता बाद में औरत अंधी होकर अपने पति को किसी भी कारण से छोड़ सकती। बंद कीजिए सब बकवास, अब मैं सब नहीं सुनना चाहता हूँ। अब मैं चलता हूँ। हाँ एक बात याद रखिएगा, आज के बाद मेरी बेटी मालती से लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, घर नहीं आऊंगा, वहीं पर सो जाऊंगा। तुम खाना बना लेना और खाकर सो जाना। मालती मेरी जिंदगी में पनौती है, इसे अब मरने में ही फायदा। ये जिंदा रहेगी तो किसी का भला नहीं होगा, किसी का भला नहीं होगा, किसी का भला नहीं होगा, किसी का भला नहीं होगा। अब मेरी जिंदगी में बाकी कुछ नहीं रहा, मैं हर तरफ से तन्हा हो गई हूँ। विष्णु ही मुझे धोखा दे रहा था, अब अर्जुन वर्मा ने भी मुझे धोखा दे दिया। जनता की नजर में मैं गुनहगार हो गई हूँ। चैनल पर व्यूज लाने के चक्कर में मैं दोनों तरफ से इस्तेमाल होती रही। अब मेरी जिंदगी का कोई वजूद ही नहीं रहा, अब मैं जीना नहीं चाहती। इस जिंदगी का मकसद बर्बाद हो गया, मैं स्टार बन के भी बेकार हो गई। अब मैं YouTube पर काम भी करूंगी तो जनता की नज़र में मेरा मान सम्मान नहीं रहेगा। जिंदगी में जब जिल्लत ही देना था तो इतना शोहरत क्यों दिया भगवान? सब कुछ होते हुए भी इस बिस्तर पर तड़प रही हूँ मैं। तूने मेरे साथ न्याय नहीं किया भगवान, तू भी अजीब खिलाड़ी है। अगर इतना ही खेलने का शौक है तो पहले ही मौत दे देता। इतना घुट घुट के मरने की क्या जरूरत है भगवान? आज तेरी नियति भी नहीं चलेगी, मैं मरने जा रही हूँ। देखती हूँ तेरी शक्ति, तू मुझे बचा पाता है कि नहीं। आज यही पंखा मेरी जीवन लीला को समाप्त करेगा, तू बस देखता रह जाएगा। तू कर ही क्या सकता देखने के अलावा? अब मैं मरने जा रही हूँ भगवान, मुझे जीना नहीं है, अब मैं मरने जा रही हूँ। मेरी मौत मुझे पुकार रही है भगवान, मेरी मौत मुझे पुकार रही है। शमशान की मैंने तन्हाइयों से पूछा, सागर की मैंने गहराइयों से पूछा। जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि अपना पता भी मैंने अपनी परछाइयों से पूछा। अलविदा तुझे और इस दुनिया को, पाया हुआ सपना को मैं तोड़ रही हूँ, तेरी बनाई हुई इस दुनिया को मैं छोड़ रही हूँ।
मैं बार बार कह रहा हूँ, शाम की सुबह जब मैं आया तो ये मरी पड़ी थी। मालती जिंदा नहीं थी साहब, मैं कुछ नहीं किया साहब, मैं बेगुनाह हूँ। बस मुझे इतना ही पता है साहब, उसे कौन मारा, क्यों मारा, किस लिए मरवाया, मुझे कुछ भी पता नहीं साहब। मतलब तुम रात को आया, हम मालती को रस्सी से गला दबाकर मार डाला, फिर पंखा से रस्सी के फंदा बनाकर उसकी लाश को लटका दिया। साहब मैं ऐसा क्यों करूं मैं साहब, ये तो तू ही जानता है ना कि ऐसा क्यों किया। शायद तुम्हारा कोई दूसरी लड़की से अफेयर होगा। आप क्या बोल रहे हैं साहब, मैं दूसरी लड़की से अफेयर क्यों करूंगा। साले चल थाने, मुझे छोड़ दीजिए, साले थाने में चल के बताना, मुझे छोड़ दीजिए। चलेगा बे, साला दिमाग खराब के लिए है साले, कहेगा तू वही बताएगा। मुझे तुमसे शादी की तुम डांस करना, हम जब आप बात कर रहे थे शायद तुम्हारा क्यों किया, क्यों करेगा। हाँ हाँ ठीक है, वीडियो में डला है जी। अभी नहीं डला, नेटवर्क धीरे धीरे चल रहा है, देखिए ना थोड़ा अच्छा से। डल गया, डल गया, डल गया। याहू एकदम मर गया, चल याहू याहू।